Now we shall study properties of matrices. In the previous class, we have already studied the types of matrix and what is matrix. ये सब समझ चुके हैं. तो matrix क्या है? Rectangular array है. Means जब हम arrangement करते हैं इस तरीके से कि वो rectangle box में certain elements को certain numbers या कोई भी चीज रखते हैं तो उसको हम उस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हम मैट्रिक्स या अरे रेक्टेंगुलर अरे इसको मैट्रिक्स कहते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ऐसा पढ़ेंगे. ठीक है. ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ये ऑपरेशंस कहलाते हैं. मैट्रिक्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे. तो पहला आता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. पहला प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है. नावेद साहब, यस सर, वी हैव ओनली टू कंडीशन, सॉरी वन कंडीशन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी द सेम. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन क्या है? द ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस शुड बी द सेम. तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे. अगर अलग अलग ऑर्डर्स हैं तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते. ये ध्यान रखना. अगर ऑर्डर अलग अलग है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते. उस मैट्रिक्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा. तो देखो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है. एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसको ऐड करते हैं. ठीक है. तो मान लो ये किसी क्लास में, क्लास के तीन सेक्शन है. ठीक है. उसमें बॉयज और गर्ल्स दिए हुए. क्या मान लो इस तरह से ए मैट्रिक्स है, एक 1 2 3 4 5 6, और बी मैट्रिक्स है -1 1 2 0 2 1 -2 -3 -5. इस तरह से दो मैट्रिक्स. इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहली बात तो चेक करना है कि इसके ऑर्डर सेम है या नहीं. जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है आपका 3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, और यहाँ पर 3/3 है तो ऐड हो ही नहीं सकता. तो ध्यान रखना है कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए. क्या करना पड़ेगा हमें? ऑर्डर सेम रखने पड़ेगा, तभी ऐड कर पाएंगे हम. ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर पाएंगे. तो अब तो इसके भी ऑर्डर हो गए 3/2. तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो कैसे ऐड करते हैं? तो ये 1 -1 0 हो गया आपका, 4 -4 +0 4 2 +1 3 5 +2 7, 3 + 2 5 और 6 + 1 7. तो ऐड करने पर ये आएगा. ठीक है. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. सब
सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का तो सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर वही दो मैट्रिक्स है, मान लो ए और बी वही दो मैट्रिक्स है, तो उन दोनों को अगर सबट्रैक्ट करना है तो ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस वन इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हमने ऐड करना है, अनुष्का थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, कोई बात नहीं, जो पीछे के टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स 3.1 उसको कराने की जरूरत है, रिकैप कराने की जरूरत है। अवैध आप चाहे तो ऑफ रख सकते हैं कैमरा। ठीक है सर। तो ये जो पीछे का 3.1 है उसको कराने की आवश्यकता है, प्लस माइनस वन इंटू बी, ठीक है। ये आपका पहला मैट्रिक्स, हमने ए मैट्रिक्स हमारा क्या था, ये था 1 4 2 5 3 6 एलिमेंट था, इस तरह से 1 4 2 5 3 6 और प्लस माइनस वन इंटू, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो प्लस इनटू माइनस वन इनटू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी क्या है हमारा, माइनस वन जीरो वन टू टू वन, माइनस वन जीरो वन टू टू ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो दिस विल बी, पहले तो माइनस वन से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 2 5 3 6 दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड प्लस माइनस वन टाइम्स, तो माइनस वन से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन जीरो, सिंपल ये है कि जो भी साइन है उस साइन को अल्टर कर दो, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और फिर ऐड कर दो। तो अब ये आपका आ जाएगा कितना, 1 + 1 = 2, 4 + 0 = 4, 2 - 1 = 1, 5 - 2 = 3, 3 - 2 = 1, 3 - 2 = 1, 6 - 1 = 5, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिर्फ एक कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिक्स, जिन दो मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जिन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझिएगा, अनुष्का आप भी पहले से कर रखा है आपने, बट फिर से इसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स जो है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन तो होनी ही होनी, मेन तो मल्टीप्लिकेशन ही, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या है, क्या कंडीशन, कंडीशन ये है, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए में जो नंबर ऑफ रोज होंगे, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन, नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अगर मान लो जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2/3,
तो जो बी मैट्रिक्स है ये उसमें इम्पोर्टेंट है कि उसका नंबर ऑफ रोज ये दोनों सेम होना चाहिए। इधर आपका जो भी हो, थ्री भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, तो इधर थ्री है। तो आप दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों सेम होनी चाहिए। इन दोनों को सेम अगर आपने कर दिया तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, इन दोनों को समझ लो कि कैंसिल कर दिया तो ये 2/3 मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2/3 मैट्रिक्स। ओके, नाउ एग्जांपल लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम। चलो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए टू एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3.2 से, 3.2 का पहला क्वेश्चन से ही लेते हैं। ए इक्वल्स टू 2432 एंड बी मैट्रिक्स है आपका 1 3 -2 5। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर देखो दोनों मैट्रिक्स 2/2 है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, इसलिए इसमें कंडीशन तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी ले लिया हमने, रिस्पोंड करिएगा जहां नहीं समझ में आए, अनुष्का आवेद तो रिस्पोंड जरूर करिएगा। ठीक है, 1 3 वैसे भी रिस्पोंड करते रहिए तो लिविंग बींग की तरह रहेंगे, लिविंग बींग बन के रहना नहीं है हमने। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट निकालना है तो इसको A11 निकालना, पहला एलिमेंट मतलब A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, राइट। देखो ये जो आपका वन है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम, तो यहां से आपको ये समझना है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ गया A11 में 2 × 1 प्लस 4 × -2, सो दिस विल बी 2 - 8 इक्वल्स टू -6। ठीक है, इसी तरीके से A12, A12 क्या होगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, ध्यान से समझना अवेद साहब, ध्यान से समझने की जरूरत है, यहाँ पर वीक रह जाओगे तो वीक रह जाएगा फिर। मैं हालांकि बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, वन फर्स्ट रो, ये वन का मतलब फर्स्ट रो को करो सेकंड कॉलम से, 1 2 1 को 2 से, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो 2 × 3 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और फिर ऐड भी करते हैं, तो 2 × 3 प्लस 4 × 5 ये हो गया आपका 6 + 20 = 26। ठीक है, 26। A13 करेंगे नवेद, बोलो 1 3 करने की जरूरत है, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो कहां से करोगे, तो
तो थर्ड कॉलम नहीं है तो 1 3 कहाँ से करना है, तो 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट भी 2 by 2 बनेगा, 2 by 2 मैट्रिक्स को 2 by 2 मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए A21 निकालना है हमें। तो A21 इक्वल्स टू सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो आपका ये है, इसको फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 3 into 1 एंड प्लस 2 into -2, तो 3 into 1 प्लस 2 into -2, तो यहां से आपका आ गया 3 into 1 प्लस 2 into -2, सो दिस विल बी -1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, शुरुआत में बिल्कुल जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करिएगा, बल्कि बाद में भी एग्जाम में भी करिए तो गलती होने की पॉसिबिलिटी लिस्ट होगी, कम से कम होगी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 into 3 9 प्लस 2 into 5 10, तो 3 into 3 3 into 3 प्लस 2 into 5 था शायद, 2 into 5 यस, सो दिस बिकम्स 19। बस अरेंज कर दो आप मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरे, अरे मीन्स होता है अरेंजमेंट। तो जब आप किसी इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखते हैं तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो -6 26 -1 19 -6 26 और दूसरा आपका इधर आ गया -1 19 ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम एक्सरसाइज 3.2 निकालिए आप लोग। पहला क्वेश्चन भी हमने लिया था, पहला का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमने किया, ठीक है। एग्जांपल जो किया अभी, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट किया, ठीक है। एडिशन और सबट्रैक्शन काफी आसान है, खुद से कर सकते हो। आई थिंक 3a - c है, तो 3 से पहले a मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट को, एंड देन c को सबट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ऐड करना है सिंपली, तो a² + b² + c² एंड हियर इट इज a² + c² एंड a² + b² प्लस 2ab - 2bc - 2ac - 2ab, ठीक है। तो a² + b² + 2ab, आवेद साहब पहला एलिमेंट बताओ क्या होगा जल्दी से। सर a² + b² + 2ab करेक्ट, ठीक है। नावेद आप बताएंगे दूसरा एलिमेंट क्या लिखूंगा मैं। सर वो क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है, अच्छा गायब हो गया। फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज नॉट बीन इन द क्लास, काफी देर से नहीं है। सर यस सर काफी देर से नहीं है। b² + c² + 2bc and here it is a² + c² - 2ac a² + b² - 2ab, ठीक है। तो अब ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड ए माइनस सी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आपको होगा, और तो कुछ करना है नहीं इसमें, तो ये सब तो आप कर चुके हो, आई थिंक अच्छे से आता है। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर टू से लेकर के 10 तक बताओ कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता या डाउट है, क्वेश्चन टू टू 10। सर मैंने कर रखे हैं ना पहले से, तो मुझे आते हैं मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज 3.2 and third part, here it goes. One, negative two, two, three, okay? And here it is, one, two, three, and two, three, one. देखो, it's quite easy to do. पहला, देखो, आराम से समझना. एक बार इस पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं. फिर सारे क्वेश्चन करोगे. वन वन मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन है, इसको वन के साथ वन इंटू वन, ठीक है, फर्स्ट रो ये वन है और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो वन इंटू वन, फिर माइनस टू प्लस करेंगे माइनस टू इंटू टू, दिस इज वन माइनस फोर माइनस थ्री, ए वन टू, ए वन टू, वन टू मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, अब ये जो वन है इसको टू के साथ, वन इंटू टू प्लस माइनस टू को किसके साथ करेंगे बताओ जल्दी से, आवाज आनी चाहिए, म्यूट मत रखो, मैंने कितनी बार कहा है, माइनस टू को टू का करेंगे, माइनस टू को थ्री के साथ, नहीं समझ रहे हो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस टू को थ्री के साथ, हाँ माइनस टू को थ्री के साथ, ये आपका आ गया टू माइनस सिक्स माइनस फोर, अब वन थ्री भी करना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स में है वो तीन है, थ्री है, अब बताओ वन थ्री आप लिखाओ, वन थ्री मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बताओ क्या होगा, बोलो, ये होगा वन थ्री प्लस टू माइनस टू टू माइनस टू वन, हाँ हाँ आ तो रहा है, आ गया, बस एक समझ लोगे तो फिर बाकी सारे कर लोगे, वन इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू वन, सो दिस कम्स टू वन, अब टू वन, ए टू वन, ए टू वन, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताओ क्या लिखूंगा मैं, ए टू वन, टू थ्री प्लस थ्री वन, टू इंटू वन और थ्री इंटू टू, ये लिखूंगा ना, टू इंटू वन प्लस इंटू टू, थ्री इंटू टू, हाँ थ्री इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू, ये आपका एट आ गया, ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आप बताओ क्या लिखूंगा, ये हो लिखना है टू टू प्लस फोर थ्री और थ्री थ्री नाइन, फोर प्लस नाइन है ना, फोर प्लस नाइन थर्टीन, आ गया, अब आपको आप एकदम बिल्कुल कर लोगे, टू थ्री बताओ सेकंड, टू थ्री क्या लिखूंगा, बोलो, ये लिखिए टू थ्री प्लस थ्री वन, बिल्कुल, टू थ्री जा सिक्स प्लस थ्री नाइन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, अब इसको मैट्रिक्स में लिख लो, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, जो भी थोड़ा आपको सीखना है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो आसान है, जो मेथड सिखाया बस वैसे ही करना आप स्टेप बाय स्टेप,
गलत होने के चांसेस नहीं है. तो माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर वन एट थर्टी नाइन, माइनस थ्री माइनस फोर वन एट थर्टी नाइन, ये आपका आंसर आया. समझ में आया अच्छे से? यस सर.